ओसीएफ स्टेट श्री रामलीला एवं प्रदर्शनी के शुभारंभ को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन ओसीएफ स्टेट के ऑर्डिनेंस क्लब में किया गया, जहां प्रेस वार्ता में मुख्य संरक्षक सुदीप के बनर्जी ने बताया कि 28 सितंबर को श्री गणेश पूजन के साथ रामलीला मंचन का आयोजन किया जाएगा और 29 सितंबर के ऑर्डिनेंस ड्रामेटिक क्लब समिति के कलाकारों द्वारा श्री रामलीला के मंचन का प्रारंभ होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि श्री रामलीला का मंचन प्रतिदिन 7:30 से रात्रि 10:30 बजे तक किया जाएगा। जो टीम है हमने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सब लोग आते हैं, सबके साथ लगातार कॉन्टेक्ट रखा है और हर वर्ष हमको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से पूरा सहयोग मिलता है और पूरा अपना योगदान रहता है। वैसे ही साल में पूरी तरह योगदान और सहयोग हम लोगों के उद्देश्य में है गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करें, जो इंस्ट्रक्शन है हम लोग फॉलो करें। अकॉर्डिंगली हम लोग पूरी तरह से करें कि शास्त्र से संबंधित जो दिशा निर्देश है वो क्या पालन करें। कितना हाईटेक होगा इस बार रामलीला मंचन? ये रामलीला आपने जैसे देखा हर साल कुछ ना कुछ नई चीजें आती है, नई चीजों का एडिशन होता है। इस साल का भी देखने के बाद आपको आइडिया लगेगा किसके हिसाब से क्या क्या चेंजेस। किस किस धर्म के कलाकार होंगे यहाँ पर आपको बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि रामलीला में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सभी धर्मों लोगों का सहयोग रहता है और मेले को और साथ में रामलीला को सफल बनाने में सभी लोग अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। स्वच्छता का बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए जो भी स्टेप्स हो सकते हैं वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसमें हमें कंटोनमेंट बोर्ड का सहयोग मिलता है, प्लस हम लोगों ने भी अपने बहुत से स्टेप्स लिए हैं जिससे पूरा स्वच्छ हमारा रामलीला का वातावरण बना रहे हैं और प्रदर्शनी का वातावरण भी बना रहे हैं। यूपी के जहांगीराबाद में युवा उद्योग व्यापार के नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता व जिला आईटी सेल प्रभारी शेख शहजाद के नेतृत्व में नगर की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के लिए कार्यकर्ताओं का एक जत्था बुलंदशहर में आयोजित जिला महासम्मेलन के लिए रवाना हुआ। उन्होंने पहले बड़ी जोर शोर से नगर में पैदल मार्च किया और नारेबाजी करते हुए बुलंदशहर बस स्टैंड से रवाना हुए। मंडल का जो आप जा रहे हैं, देखिए सुल्तान भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी व्यापारियों के काम होते हैं, आप जो अपना ये पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे जिलाध्यक्ष व्यापारियों की शान आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी ने एक बहुत बड़ा व्यापारियों का महासम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें जिले के सारे अधिकारी और कुछ मंत्रीगण मौजूद होंगे और नगर से ये युवा टीम का जत्था उसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहा है। क्या मांग है आपकी विशेष? देखिए, व्यापारियों की और युवा उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में जो कुछ हमारी मांगे हैं, जैसे मोदी जी का सोच है प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान, उसमें व्यापारियों को सचेत करना, व्यापारियों को जागरूक करना और व्यापारियों की बहुत सारी समस्या है जैसे अतिक्रमण वगैरह है और आपका फूड इंस्पेक्टर है, सैंपल इंस्पेक्टर है, आए दिन व्यापारियों को परेशान किया जाता है। तो युवा उद्योग व्यापार मंडल अपनी इन सारी बातों को आज उस सम्मेलन में रखेगा। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार गुप्ता, युवा नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल जहांगीराबाद। करहल के तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी रतन वर्मा ने राशन डीलरों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी रतन वर्मा ने राशन डीलरों को मतदाता सूची के सत्यापन में सहयोग करने के लिए निर्देशित किया। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान व्यापारियों ने बड़ा ही अनोखा तरीका अख्तियार किया है। उत्तर प्रदेश प्रांतीय व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज फूलबाग मंडी में प्याज देवता को फूल नारियल रोली चढ़ाकर आरती उतारी और महंगाई के दौर में राहत देने की प्रार्थना की। कानपुर नगर अध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल ने आरती गाकर प्याज देवता से प्रसन्न होने की प्रार्थना की। प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज सोनी ने घंटी बजाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिमन्यु गुप्ता है। ये कौन सी जगह और क्या हो रहा है यहाँ पर आज? देखिए, आज फूलबाग सब्जी मंडी पे हम सब व्यापारियों ने प्याज देवता की आरती उतारी है और प्याज देवता से निवेदन किया है कि पहले ही मोदी और योगी राज में पेट्रोल डीजल और बिजली की कीमत ने हमको मार दिया
उसके बाद जीएसटी नोटबंदी एफडीआई ऑनलाइन व्यापार ने मार दिया। कम से कम ब्याज देता आप ना मारो, मंदी चल रही है, कमाई बिल्कुल निल है, और कुछ बचा के कुछ कमा के जब घर जाते हैं तो पता चल रहा है ब्याज भी इतना महंगा है कि खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। तो कृपया कम से कम खाना पूरा खा लेने दो, भगवान सरकार तो सुन नहीं रही है, आप ही सुनो, ब्याज देवता हम सब पे कृपा करो, इनकी कीमत सही हो। जिस तरीके से केंद्र सरकार अपनी योजना बनाए और योजना बना के 16-17 रुपए में प्रदेश सरकारों को हम लोग को प्याज मिले और हम लोग को 26-27 रुपए में प्याज वही खरीदने का मौका मिले, इस बात की आज हम लोग अपील कर रहे हैं मोदी सरकार से और योगी सरकार से। और किसी भी तरीके की कोई मुनाफाखोरी या काला बाजारी ना हो, इस बात को इंश्योर ये प्रदेश सरकार करे। इसी बात का आज उत्तर प्रदेश प्रांतीय व्यापार मंडल से जुड़ा हर व्यापारी प्रदर्शन कर रहा है। आज यहाँ पे प्याज के बड़े ठेले थे, वहाँ पे रुक के बाकायदा पूजा अर्चना कर प्याज देवता की हम लोग आरती की है और उनसे निवेदन किया है, हम सब पर कृपा रखिए, हम सबको खाने पीने की कमी मत आने दो। वैसे भी व्यापारी प्रदेश का रो रहा है, बर्बाद है, परेशान है, आप तो कम से कम हम लोग का भरपेट खाना खा लेने दो, आप नहीं होगे तो खाना भी कैसे खाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। वेस्ट यूपी को जल्द ही दो बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पहला दिल्ली से मेरठ तक एक्सप्रेसवे और दूसरा रैपिड रेल की सौगात। दिल्ली से मेरठ तक का सफर आने वाले दिनों में आसान हो सकेगा। एक्सप्रेसवे आप सभी लोगों को हम लोगों को पता है कि ये इस एरिया का बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इसकी बहुत ही प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट की है कि इसको हम लोग पूरा करें और इसकी हम लोग निरंतर समीक्षा भी करते रहते हैं। आज इसकी समीक्षा की गई है, इसमें बेसिकली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में हम लोगों के चार पैकेजेस, इसमें पैकेज वन और पैकेज थ्री तो हम लोगों का लगभग पूरा हो चुका है, उसमें कोई इशू नहीं है। पैकेज थ्री जो है वो हमारा मार्च 2020 तक जाएगा और पैकेज फोर जो है उसमें भी हम लोगों का काम निरंतर चल रहा है, वो भी हम लोगों का मार्च 2020 हम लोग टारगेट कर रहे हैं और कार्य जो है अपेक्षा के अनुरूप ठीक गति से चल रहा है। निरंतर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और NHAI को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि मार्च 2020 तक पूरे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को पूरा काम पूरा किया जाए। सफर पूरा कर पाएंगे? हाँ, उसका हम लोग आप मान के चलिए 2020 तक NHAI द्वारा कहा गया है कि इसको पूरा कर देंगे इसके। हाँ, और हमारा जो आपका पैकेज थ्री जो है दिल्ली से लेके हापुड़ वाला स्ट्रेच जो है वो पूरा हो चुका है और उसका औपचारिक जो लोकार्पण है वो भी निकट भविष्य में बहुत जल्दी होने वाला है और उस पर ट्रैफिक ऑलरेडी फंक्शनल है, ट्रैफिक चल रहा है उसका। इसके अलावा अगर बात करें NCRTC, तो इसमें क्या प्रोग्रेस है? देखिए NCRTC में भी हम लोगों के द्वारा उसमें प्रायोरिटी सेक्शंस NCRTC द्वारा निर्धारित किया गया है। उसमें पहला जो प्रायोरिटी सेक्शन है वो साहिबाबाद से दुहाई का है, उसी पे सारा फोकस इस समय है। उसमें NCRTC द्वारा सारे टेंडर्स फाइनल किए जा चुके हैं, उसमें फिजिकली मौके पे काम भी पूरा शुरू किया जा चुका है। इसमें